हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु शॉर्ट में। आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है, कितने सॉफ्टवेयर है जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने पीसी के स्क्रीन को। जैसे कि अभी इस वीडियो में आप देख रहे हैं, मैं इस पूरे स्क्रीन वाले भाग को अभी रिकॉर्ड करके और मैं इसी वीडियो के नीचे वॉइस ओवर करके आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इस सॉफ्टवेयर में स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे देखें तो OBS स्टूडियो भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने वीडियो क्रिएट करना है, अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आपको जो है ये सॉफ्टवेयर ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए अपने पीसी में। ये भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना चाहिए। इस दोनों सॉफ्टवेयर से आप जो है एक ही काम कर सकते हैं, दोनों का काम सेम ही है। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि OBS स्टूडियो को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। OBS स्टूडियो को सबसे पहले हम डाउनलोड करना सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि OBS स्टूडियो में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है। वीडियो के दूसरे वाले पार्ट में हम सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि सबसे पहले आपको OBS स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है अपने पीसी में। तो क्या करना है कि आपको ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके इस ब्राउज़र को ओपन करूँगा। बस डाउनलोड करना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पर इस ब्राउज़र वाले बॉक्स में आपको टाइप करना है कि क्या टाइप करना। मैं पहले यहाँ पे टाइप करूँगा कि आपको लिखना है OBS स्टूडियो। डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे OBS स्टूडियो, लिख करके आपको जो है सर्च कर लेना है OBS स्टूडियो। हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखें तो OBS स्टूडियो वाला एक रिजल्ट आ गया है। बस इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे OBS स्टूडियो पे तो ये जो है ओपन हो जाएगा इसका साइट। यहाँ पे देखें तो सबसे ऊपर में ही इसका साइट आया हुआ है। यहाँ पे इसी साइट में आपको विजिट करना है। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे जो इस साइट पे लिखा हुआ है obsproject.com, तो आपको इसी में विजिट करना है। किसी दूसरे में आप विजिट ना करें वरना आप जो है इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसी में विजिट करता हूँ। अब यहाँ पे देख ले कि OBS प्रोजेक्ट वाला डैशबोर्ड कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा और यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या क्या में डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ में कर सकते हैं, मैक में कर सकते हैं और लिनक्स में भी कर सकते हैं। तीनों के लिए OBS बना हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे डाउनलोड करके इससे आप चाहे तो गेमिंग कर सकते हैं, अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत सारा काम है इस सॉफ्टवेयर का, बहुत सारा काम आप जो है फ्री में कर सकते हैं। अब डाउनलोड कैसे करना है, अगर आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप विंडोज़ वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आप मैक के लिए करना चाहते हो तो मैक वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आप लिनक्स के लिए करना चाहते हैं तो आप लिनक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे आपको विंडोज़ के लिए बताएंगे, तो विंडोज़ वाले पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे ऊपर में देखें, क्लिक करने के साथ ही आपका जो है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा आपका ये सॉफ्टवेयर OBS। यहाँ पे देखें ये जो है कितने MB का है, मैं यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें 116.72 MB का है ये सॉफ्टवेयर OBS। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँगा, हमारा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है कि इस साइट में आपको आना है, विंडोज़ पे क्लिक करना है, आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है आपके अपने PC में। इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। तो इस वीडियो में उम्मीद कर सकता हूं कि आपको जो है कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी इंस्टॉल करने में। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमें आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको जो है फिर से अच्छी तरह से कैसे इंस्टॉल करना है। मैं इस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले इंस्टॉल कर दूँगा, अनइंस्टॉल करूँगा, फिर से मैं आपको बताऊँगा कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है मैनुअली। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, देखिए यहाँ पर मैं स्टार्ट डाउनलोड बटन पर क्लिक करूँगा तो ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। और आप PC चलाते हैं तो इंस्टॉल कैसे करना है इतना आपको पता ही होगा, तो इसे आप इंस्टॉल कर ले। अब हम दूसरे वीडियो में सीखेंगे कि यहाँ पे देखिए OBS स्टूडियो को इंस्टॉल करने के बाद इसका डैशबोर्ड कैसा दिखता है। यहाँ पे हम OBS को यहाँ पे ओपन करेंगे, तो मैंने क्लिक कर दिया है, ओपन होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर गेम को प्री रिकॉर्डेड गेम को भी लाइव यहाँ पर किया था। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इससे आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, सॉफ्टवेयर का क्या क्या रहता है, इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर से आप अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। यहाँ पे देखिए, इस प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस प्लस बटन पर क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, आप ऑडियो को कैप्चर कर सकते हैं, आप जो है एप्लीकेशन ऑडियो कैप्चर कर सकते हैं,
आउटपुट को कैप्चर कर सकते हैं। ब्राउजर में कोई भी चल रहा है किसी भी साइट के वीडियो को डायरेक्ट यहाँ पे इस OBS के माध्यम से लाइव दिखा सकते हैं। कलर सोर्स लगा सकते हैं, डिस्प्ले को कैप्चर कर सकते हैं, गेम को कैप्चर कर सकते हैं, इमेज को दिखा सकते हैं लाइव, इमेज स्लाइड शो को लाइव दिखा सकते हैं। अगर प्री रिकॉर्डेड पहले से कोई भी वीडियो आपका रिकॉर्डेड है तो उसे आप लाइव दिखा सकते हैं इस OBS सॉफ्टवेयर के माध्यम से। यहाँ पे देखिए सीन आप जोड़ सकते हैं, टेक्स्ट को दिखा सकते हैं, VLC वीडियो में जो भी चल रहा है उसे आप लाइव दिखा सकते हैं, वीडियो को आप अपने वीडियो को लाइव दिखा सकते हैं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसे भी मैं लाइव दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए विंडोज़ को भी कैप्चर आप कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा काम है, इसका काम यही है कि अगर आप इससे सीख गए अच्छी तरह से तो आप गेम को लाइव कर सकते हैं, स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं दूसरे वीडियो में आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि स्क्रीन को रिकॉर्ड कैसे करी जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको पार्ट टू देखना है तो हमें कमेंट करके बताएं कि कौन सा पार्ट इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको सीखना है, मैं आपको दूसरे वीडियो में वही बताऊंगा। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।